शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के लुकवासा चौकी के अंतर्गत साखनूर गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एक शराबी ने हंगामा करते हुए जमकर उत्पात मचाया। शराबी के हंगामे को देख स्कूल में मौजूद छात्र डर गए और उत्पात मचाते हुए शराबी ने जमकर पत्थरबाजी भी की। स्कूल के प्राचार्य ने इसकी शिकायत लुकवासा चौकी में दर्ज कराई है। ग्राम साखनूर के रहने वाले नंदलाल आदिवासी ने अत्यधिक शराब पी थी। शराब के तेज नशे में वो स्कूल में पानी पीने पहुंच गया, जहां उसे पानी की टंकी में पानी नहीं मिला। इसके बाद नंदलाल ने बोरवेल चालू करने की मांग की। स्कूल के प्राचार्य लोकेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि बोरवेल की मोटर कुछ दिनों पहले खराब हो चुकी है, जिससे वो चालू नहीं हो सकी। वहीं पानी की टंकी में टोटियां नंदलाल पहले ही शराब के नशे में तोड़ चुका है। इसके चलते जब नंदलाल को पानी नहीं मिला तो वो भड़क गया। जानकारी के अनुसार नंदलाल आदिवासी ने इसी शासकीय प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा हासिल की है। वायरल वीडियो में अपनी मार्कशीट के पैसे मांगने के आरोप भी स्कूल के शिक्षकों पर लगाते हुए वो नजर आ रहा है। शराबी वीडियो में कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसकी 6 से 7 कक्षा की मार्कशीट देने के एवज में पैसे मांगे थे। स्कूल के प्राचार्य लोकेंद्र सिंह लोधी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। सर, आपके विद्यालय पर जो उत्पात मचाने एक शराबी आया था, हम उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। वो किस कारण से विद्यालय में आया और क्या क्या घटनाएं क्रम करके गया? वो विद्यालय में आया, शराब पी के आया था और आकर के हेडपम्प देखा, वो बोला कि पानी है। हमने बोला हेडपम्प खराब पड़ा है। वो उसके बाद में वो उत्पात करने लगा, नल तोड़ दिया, गाली गलौज करने लगा। बच्चे और शिक्षक इतने भयभीत हो गए, दुनिया भर की चप्पल फेंकी, पत्थर मारे जो है। उसके बाद में हम भगाया जी, उन्होंने भगाया जी टीचरों ने, लेकिन वो चला गया। और उसके बाद में हम उसकी FIR करने चले गए। बाद में हम लौट के नहीं आ पाए FIR। उसके बाद दोबारा भी वो एक डंडा लेकर के आ गया। हमने पुलिस चौकी पर, पुलिस चौकी लुकवासा की थी, हेडपम्प में जो है पत्थर से नल तोड़ दिया है। अब वो ना तो बोर चालू हो सकता है और वो चला गया।